पद्मावत के खिलाफ अब कांग्रेस में भी उठे विरोध के सुर। पद्मावत को लेकर कांग्रेस में भड़की पहली चिंगारी। लंबे विवाद के बाद पद्मावत तो रिलीज हो गई, लेकिन विवादों से उसका वास्ता अब तक खत्म नहीं हुआ है। फिल्म को लेकर करणी सेना के विरोध के बीच अब इस पर राजनीतिक घमासान भी मचना शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता पहले से ही इस फिल्म के खिलाफ नजर आ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस में भी पद्मावत को लेकर चिंगारी भड़कने लगी है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे दिग्विजय सिंह ने पद्मावत को लेकर राहुल गांधी से इतर राय रखी है। राघोगढ़ के राजा और कांग्रेस के इस राजपूत नेता ने भी पद्मावत की मुखालफत शुरू कर दी है। अपने एक बयान में दिग्गी राजा ने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता हमें इतिहास से छेड़छाड़ की आज़ादी नहीं देती है। बकौल दिग्विजय सिंह, इतिहास के साथ छेड़छाड़ वाली फिल्में नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म और जाति से हटकर कोई भी फिल्में नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई फिल्म ऐतिहासिक तथ्य से परे है और किसी धर्म या जाति विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, तो सबसे अच्छा विकल्प यही है कि इसे नहीं बनाया जाए। वैसे भी ये पहला मौका है जब कांग्रेस के किसी नेता ने पद्मावत के खिलाफ बयान दिया है। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिल्म को लेकर तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी को जरूर जिम्मेदार ठहराया था। बीजेपी पर गंदी राजनीति करने और पूरे देश को हिंसा की आग में धकेलने का आरोप लगाया था। पद्मावत को लेकर दिग्विजय सिंह ने पार्टी लाइन से इतर ये बयान क्यों दिया है, ये तो वही जाने, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो दिग्गी राजा ने ये बयान बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां राजपूत वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में अपने इस बयान के जरिए उन्होंने राजपूतों के साथ खड़े होते दिखाई देने की कोशिश की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनका ये बयान क्या गुल खिलाता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।